आज हम चर्चा करेंगे प्रिंसिपल ऑफ वेट लॉस पर। देखिए, वजन घटाने का मात्र एक तरीका है जो ऊपर वाले ने बनाया है, और मैं उसे कहता हूँ एटर्नल लॉ ऑफ वेट लॉस, भगवान का बनाया हुआ वो एक तरीका। अगर ये तरीका आप समझ गए तो आप कॉन्शियसली अपना वेट लॉस कर पाएंगे, पर अगर आपने ये तरीका नहीं समझा तो आप दिशाहीन हो सकते हैं, और यही कारण बनता है कि 10 में से 7 या 8 लोग सक्सेसफुली अपना वेट लॉस नहीं कर पाते, 1 या 2 लोग जाने अनजाने में उस तरीके को अपना करके वेट लॉस कर पाते हैं। आज अगर वो तरीका आपने समझ लिया तो आप 100% अपना वजन घटा पाएंगे, वो भी हेल्दी तरीके से। तो उस तरीके को आइए हम समझते हैं, और उसे समझने के पहले ये समझना भी जरूरी है कि हमें वजन क्यों घटाना है। हालांकि इस सेक्शन को हम इस पूरे वीडियो के आखिरी में डिस्कस करेंगे, पहले हम जानते हैं कि वजन घटाने का तरीका क्या है, और वो वजन घटाने के तरीके को जानने के लिए सबसे पहले एक मैं आसान सा आपको उदाहरण देता हूं, और वो उदाहरण है कि यदि आपको आपके घर में कुकिंग करनी है, फूड पकाना है, तो आप गैस का इस्तेमाल करते हैं। मतलब कुकिंग के लिए सोर्स ऑफ एनर्जी आपके घर में क्या है? गैस। अगर गैस खत्म हो जाए, प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी खत्म हो गया, तो आप क्या करेंगे? सेकेंडरी सोर्स ऑफ एनर्जी का इस्तेमाल करेंगे। सेकेंडरी सोर्स ऑफ एनर्जी केरोसिन स्टोव या कुकटॉप या फिर लकड़ी का चूल्हा, कुछ भी हो सकता है, या कुछ लोग बाहर से खाना मंगा लें। तो प्राइमरी सोर्स का ही हम इस्तेमाल करते हैं, चाहे हमें 5, 10 या 15 साल हो गए हों। इसी तरह आपके शरीर में भी एनर्जी के दो सोर्स हैं। एक सोर्स है कार्बोहाइड्रेट, और दूसरा जो सोर्स है वो है फैट। तो पहला जो सोर्स है कार्बोहाइड्रेट, इसको आप लोग शक्कर या फिर ग्लूकोज, ग्लाइकोजन, कार्बोहाइड्रेट किसी भी नाम से जानते हैं, और ये हमारे शरीर में मात्र कितना है? मात्र 700 ग्राम, दैट्स इट। परंतु इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है? जब ये प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी आपके शरीर में घटने लगता है तो आपके ब्रेन में आपको मैसेज मिलता है ब्रेन से कि कुछ खाइए, भूख लगी है, और अगर आप नहीं खाएंगे आपको हेडेक होगा, फूड क्रेविंग होगी, चिड़चिड़ापन बढ़ेगा, और आप मजबूर हो जाएंगे टॉप अप करने के लिए। तो ये 700 ग्राम जैसे ही घटता है आप वापस से टॉप अप कर लेते हैं, और टॉप अप कितनी बार करते हैं? ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, और आजकल तो 3 मील और ऐड हो गए हैं, जैसे 12 बजे, शाम के 4 बजे और रात को 11 बजे। तो जब आप 6 बार टॉप अप करेंगे तो आपकी बॉडी फैट को भाई इस्तेमाल कब करेगी? तो फैट का इस्तेमाल ही नहीं हो रहा, 10 साल, 20 साल, 30 साल फैट एज इट इज बॉडी में पड़ा हुआ है। तो अगर आपको वेट लॉस करना है तो आप सबसे पहले इसको खत्म करें। अब एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। आपने रात को खाना खाया, सुबह तक कार्बोहाइड्रेट के स्टॉक घटना शुरू हुए, खत्म नहीं हुए, घटना शुरू हुए, तो जैसे ही आपकी ब्लड शुगर लेवल नीचे जाएगी आपका ब्रेन आपको क्या बोलेगा? कुछ खाइए। आपने ब्रेकफास्ट खाया, कार्बोहाइड्रेट मिल गया, कार्बोहाइड्रेट पे बॉडी चलने लगी, फैट बर्निंग बैक सीट पर चला गया। अब आपने कभी कभी महसूस किया होगा यदि आपको खाना समय पर ना मिले तो क्या होता है? भूख मर जाती है, आपका एहसास भूख का खत्म हो जाता है। इसका मतलब क्या है? आपकी बॉडी कार्बोहाइड्रेट पर चल रही थी, आपने उसको फीड नहीं किया तो बॉडी फैट पर शिफ्ट हो गई। यही काम आपको रेगुलर करना है अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो। अब डिप्लीशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट कैसे होगा, आपके शरीर में कार्बोहाइड्रेट कैसे घटेगा? तो इसके लिए डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट या फिर आप अपने मन से तरह तरह के रास्ते निकालते हैं। उन रास्ते से आप इनडायरेक्टली अपने शरीर में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा को घटाते हैं तो ही आपका वजन कम होगा, और अगर आप किसी कारण से नहीं कर पाए, उसे समझ नहीं पाए, तो फिर आप फेलियर में चले जाते हैं। अब चूंकि यहां बात निकली है डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट की, तो जो हमने ये मुहिम चालू की है डाइट और न्यूट्रिशन की, क्योंकि आज हमारे देश में डाइटरी और लाइफस्टाइल चेंजेस के कारण, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस के कारण नंबर ऑफ पेशेंट्स की संख्या तेजी से बढ़ रही है, उसके कारण डेथ्स भी बढ़ रही हैं।
तो डायबिटीज या कार्डियक प्रॉब्लम, पीसीओडी या थायराइड, इनकी इंसिडेंसेस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। और अगर इनको कंट्रोल करना है तो डाइटिशियन से बेहतर इस चीज को कोई नहीं समझ सकता। तो यदि आप डाइटिशियन हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, तो आप हमारी मुहिम से जुड़े, नीचे दिए गए नंबर के ऊपर संपर्क करें। तो अब डिप्लीशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट कैसे किया जाएगा, उसके कुछ एक तरीके हैं। ये तरीके आपको अक्सर लोग बताते हैं और आप सक्सेसफुली वजन कम कर पाते हैं, पर अगर आप उनको भी ना समझ पाए तो आप वजन नहीं घटा पाते। पर अब चूंकि मैंने आपको बताया कि डिप्लीशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट अगर आपने कर लिया तो बॉडी ऑटोमेटिक फैट बर्निंग पर शिफ्ट हो जाएगी और आपका वजन घटने लगेगा। अब ये किस तरह अचीव किया जा सकता है? नंबर वन, आप लो कार्बोहाइड्रेट डाइट लें, मतलब आपके भोजन के अंदर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा घटा दें। आपने देखिए एक डायलॉग सुना होगा, अगर आपको वजन घटाना है तो शक्कर मत खाओ। एक्चुअल वो शक्कर मत खाओ नहीं है, कार्बोहाइड्रेट मत खाओ। कार्बोहाइड्रेट जितना कम खाओगे, बॉडी जैसे ही उसको खत्म करेगी, बॉडी फैट पर शिफ्ट हो जाएगी, तो फैट बर्निंग चालू हो जाएगा, वेट लॉस हो जाएगा। उससे अच्छा तरीका क्या है जो टाइम टेस्टेड है? फास्टिंग, उपवास कर लीजिए। हर धर्म के अंदर इसकी मान्यता है। और आज तक आपने नहीं सुना होगा कि फलाने आदमी ने उपवास रख लिया, इसके लिए उसको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा। आज तक नहीं सुना होगा ये चीज आपने। तो उपवास अगर आप रखेंगे, जब मैंने कुछ खाया ही नहीं तो मेरा कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम हो गया, बॉडी अपने आप फैट पर शिफ्ट हो गई। अन्ना हजारे ने 7-8 किलो या 6 किलो वजन घटा लिया 11 दिन में। कैसे? क्योंकि उन्होंने जब कुछ खाया ही नहीं तो कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम हुआ वही 700 ग्राम। 700 ग्राम कार्बोहाइड्रेट अपने साथ में 1500 ml पानी रिटेन करके रखता है। तो पानी गया, कार्बोहाइड्रेट गया, लगभग 2.5 से 3 किलो वजन कम हो गया। अब इसके आगे फैट बर्निंग चालू, तो 3 से 4 किलो फैट गया, 3 किलो पानी और शक्कर गया, तो 6 से 7 किलो वजन 10-11 दिन में उनका घट गया। सो अगर आप ये स्ट्रेच, एट ए स्ट्रेच अगर उपवास नहीं रख सकते, जो मैं रिकमेंड भी नहीं करता हेल्दी वेट लॉस के लिए, तो आप इंटरमिटेंट फास्टिंग में जाएं, 16 से 18 घंटे का फास्ट करें या वंस इन अ डे मील लें, मतलब 24 घंटे का उपवास करें। शुरुआत कैसे कर सकते हैं? बिगनिंग के लिए आप अपना ब्रेकफास्ट स्किप कर दें। अगर आप डिनर स्किप करना चाहते हैं तो दोपहर के 2 बजे से, लंच के बाद टोटल स्किपिंग होगी अगले दिन के सुबह 8 बजे तक। अन्यथा शाम को आप अपना डिनर लें, अगले दिन के 2 बजे तक आप कुछ भी ना लें, फर्स्ट मील ऑफ द डे दोपहर में 2 बजे। तो ये 16 से 18 घंटे की फास्टिंग हो गई। तो लास्ट के 5 to 6 आवर्स के अंदर आपका 50 से 75 ग्राम तक फैट बर्न होगा और महीने में आप लगभग 1.5 से 2 किलो तक हेल्दी तरीके से वेट लॉस कर पाएंगे। परंतु शुरू के 7 दिन में जो शक्कर का और पानी का 3 किलो वजन या 2.5 किलो वजन आपका इमीडिएट कम होगा। ठीक है, तो अब अगर मान लीजिए और आपको तेजी से वेट लॉस करना है तो आप कुछ एक्टिविटी ऐड कर लें या फिर कुछ बेली फैट बर्नर्स वगैरह ले लें, तो उसके सपोर्ट से आप पॉसिबल है 2.5 से 3 किलो तक पर मंथ का वेट लॉस कर सकें। अब जो इसमें वेट लॉस के अंदर जो आपको मेन चैलेंजेस आते हैं वो कौन कौन से आते हैं, आप वो समझ करके लें। देखिए, पहला सबसे बड़ा जो चैलेंज आता है वो आता है इंटरमिटेंट फास्टिंग में फूड क्रेविंग का। आपको भयानक भूख लगती है, हेडेक होता है, चक्कर आते हैं, चिड़चिड़ापन बढ़ता है, तो इसके लिए अक्सर मैं रिकमेंड करता हूं कि आप स्टार वॉक का सपोर्ट लें, जो आपके क्रेविंग्स को आने से रोकता है। कैसे रोकता है? आपके कार्बोहाइड्रेट और फैट को तेजी से बर्न करेगा, आपको एनर्जी मिलेगी, फ्री एनर्जी होगी, तो आपको क्रेविंग नहीं होगी। वहीं स्टबन वाइट फैट, ये हम इंडियंस की पिक्यूलरिटी है, जबकि यूरोपियंस के अंदर ब्राउन फैट होता है। ये वाइट फैट के कारण ये स्टबन होता है, वजन घटाने में तकलीफ होती है। इस पर हमारे डॉक्टर कोचर ने एक वीडियो भी बनाया है, आप चाहें तो सबमिट करके मंगा सकते हैं वो वीडियो, या फिर यूट्यूब पर जाकर देख सकते हैं। तो इस फैट को बर्न करने में भी स्टार वॉक से मदद मिलती है, और उसके बाद में स्ट्रेस ईटिंग में कम करने के अंदर ये मदद करता है, क्योंकि ये आपके शरीर में सेरोटोनिन हार्मोन के सीक्रीशन को बढ़ाता है, जो एक तरह का हैप्पी हार्मोन है। तो आपकी स्ट्रेस ईटिंग
कम हो जाती है। उसके बाद में वीकनेस आने से रोकता है, क्योंकि ये नेक्स्ट चैलेंज है। आप जब भी डाइट पर जाते हैं, वेट लॉस करते हैं, आपको कमजोरी आने लगती है। तो जब स्टार वॉक आप लेते हैं, आपका तेजी से फैट और कार्बोहाइड्रेट बर्न होता है और आपको वीकनेस नहीं आती। इसके बाद में मसल मास लॉस होने का कई लोगों को डर रहता है, तो आप मेरा यकीन करें, 3 दिन तक अगर आपने एट्रेस स्ट्रेच उपवास किया तो आपकी बॉडी मसल को एज ए एनर्जी यूज नहीं करेगी, अगर आपके बॉडी में इनफ फैट है तो। अगर आप 24 घंटे तक भी उपवास रखते हैं, 48 घंटे तक उपवास रखते हैं, तो आपके बॉडी में एक हार्मोन निकलता है, ग्रोथ हार्मोन, वो आपके शरीर के अंदर मेंटेन करके रखता है मसल मास को। इसके बाद में लो कार्बोहाइड्रेट के लिए आप LDCF डाइट लें, जिसका वीडियो आप मंगा सकते हैं या यूट्यूब से देख सकते हैं। फिर कीटो डाइट भी फॉलो कर सकते हैं, इस पर भी मैं आने वाले समय में वीडियोस बनाने वाला हूं, क्योंकि लोगों को कई तरह के कंफ्यूजन है कि कीटो डाइट में क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए और किस तरह से हेल्दी कीटो करें, उसके ऊपर भी मैं आपको वीडियोस दूंगा आने वाले समय में। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे वो सारी चीजें आपको मिल सकें। अब की पॉइंट हमारे लिए टेक होम मैसेज क्या है, वो है सबसे पहला हम फास्टिंग करें, जिससे अगर हमने कार्बोहाइड्रेट लिया ही नहीं तो हमारे बॉडी का कार्बोहाइड्रेट जैसे ही खत्म होगा बॉडी फैट बर्निंग पर शिफ्ट हो जाएगी। दूसरा, जो डाइट हम लें दिन के 2 या दिन का 1 मील, वो हम लो कार्बोहाइड्रेट लें, तो उससे क्या होगा, जब हम कम कार्बोहाइड्रेट खाएंगे तो जैसे ही वो बर्न होके खत्म होगा बॉडी फैट बर्निंग पर शिफ्ट हो जाएगी। तीसरा, 1000 से 1200 कैलोरी लें, क्रैश डाइटिंग पे ना जाएं, नहीं तो आपके बॉडी में डैमेजेस करेगा। तो 1000-1200 कैलोरी का फूड लेने पे जो ऊपर की 500 से 700 कैलोरी या 1000 कैलोरी है वो आपके फैट से रिसीव होगी, जिसमें आप 50 से 75 ग्राम, हद से हद 100 ग्राम तक डेली का वेट लॉस करेंगे। फिर कुछ एक्सरसाइजेज आप ऐड करें, उसके बाद में आप अपना स्ट्रेस लेवल घटाएं और एप्रोप्रिएट 7 घंटे की स्लीप लें, और इसके साथ में स्टार वॉक का सपोर्ट लें। अब जो पॉइंट हमने बीच में मिस किया था कि हमको वेट लॉस क्यों करना चाहिए, तो ये आप और एक बार अच्छी तरह से समझ लें, क्योंकि सबसे पहले यंग लोग अपने लुक्स के लिए अपना वजन घटाना चाहते हैं। इसके अपार्ट अगर आपका वजन बढ़ रहा है तो आपके शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ेगा, 5, 10 या 15 साल में आपके शरीर में डायबिटीज बिल्ट होगी, और फिर जब आप डायबिटिक हो जाएंगे तो 2 कारणों से आपके खून की नलियां पतली होने लगेंगी, एक हाई शुगर और दूसरा कोलेस्ट्रॉल के जमाव से। तो जब एथेरोस्क्लेरोसिस होगा कॉम्प्लिकेशन के रूप में डायबिटीज के अंदर, तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, ब्रेन स्ट्रोक की समस्या नलियां अगर पतली हो गई तो, हार्ट अटैक की समस्या, आंखों की नलियां पतली हुई तो रेटिनोपैथी, किडनी की खराब हुई तो आपको नेफ्रोपैथी, उसके बाद में पैरों की हुई तो घाव नहीं भरेंगे, एम्पुटेशन गैंग्रीन तक हो जाता है। फिर अगर नसों की खून की सप्लाई अगर हैम्पर हुई तो उससे आपको न्यूरोपैथी होगा, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, सेक्स की समस्याएं आएंगी, मोटापे के साथ में काफी कॉमन है, और प्रोस्टेट एनलार्जमेंट जैसी समस्याएं आती हैं। फिर फैटी लीवर, अगर ये फैटी लीवर होगा तो वो भी कैटास्ट्रोफिक है, आपके लीवर फंक्शन डिस्टर्ब होंगे, आपका लिपिड प्रोफाइल डिस्टर्ब होगा, और PCOS आजकल बहुत कॉमन है फीमेल्स के अंदर, हार्मोनल इम्बैलेंस, जिसके अंदर ओबेसिटी और इंसुलिन का बहुत बड़ा हाथ है, हालांकि अलग टॉपिक है, मैं इस पे अलग वीडियो बनाऊंगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज स्लीप एपनिया। तो ये भयानक कॉम्प्लिकेशन है जिनके कारण आज हमारे अस्पताल भरे पड़े हैं। गवर्नमेंट का जो हेल्थ का खर्चा है उसका मेजर पार्ट इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में जा रहा है, परिवारों के बजट डिस्टर्ब हो रहे हैं और मेंटल टेंशन अलग। तो वजन को इफेक्टिवली घटाएं, हेल्दी तरीके से घटाएं। अब यदि ओबेसिटी रिलेटेड, आर्थराइटिस रिलेटेड, डायबिटीज रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी है, सबमिट करें, मैं या मेरी टीम आपकी मदद करेंगे। थैंक यू।